और चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। जयपुर एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। सीएम भजन लाल ने हवाई यात्रियों को आज बड़ी सौगात दी और जयपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया। इसके साथ ही यात्रियों का 11 साल का इंतजार भी खत्म हुआ। रिपोर्ट देखिए। जयपुर शहर वासियों को आज सीएम भजन लाल शर्मा ने उद्घाटन कर नई सौगात दी है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने फीता काटकर टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टर्मिनल भवन के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने डिपार्चर एरिया, इमिग्रेशन काउंटर, वेटिंग लाउंज की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि देश में एविएशन सेक्टर नई उड़ान भर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के छोटे एयरपोर्ट से भी फ्लाइट संचालन बढ़ा है। इस नए टर्मिनल से जयपुर शहरवासियों को नई सौगात मिलेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का लोकार्पण हमारे प्रदेश के विकास में निश्चित रूप से उन्नति का प्रतीक है। ये राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल है, भरपूर सुविधाओं वाला है, यात्रियों को बेहतर सुविधा इसमें मिलने वाली है, विकास भी और विरासत। टर्मिनल 1 करीब 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना हुआ है। सालाना 15 लाख यात्रियों का आवागमन यहां से हो सकेगा। CISF के करीब 100 सुरक्षा कर्मी रहेंगे टर्मिनल 1 पर तैनात। डिपार्चर क्षेत्र में 10 इमिग्रेशन काउंटर लगाए गए। अराइवल एरिया में 14 काउंटर स्थापित किए गए। टर्मिनल 1 भवन में 10 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं। ड्यूटी फ्री आउटलेट्स के अलावा F&B आउटलेट्स भी मौजूद। समर्पित मेडिकल रूम, 2400 घंटे एम्बुलेंस सेवाएं रहेंगी। यात्रियों के वेटिंग के लिए लाउंज भी विकसित किया गया। बता दें कि एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 करीब 11,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया गया है। यहां से 7 इंटरनेशनल फ्लाइट संचालित होंगी। उद्घाटन के मौके पर जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी सहित कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। काशीराम चौधरी, Zee Media, जयपुर।